हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दीजिए, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर खबर। पाकिस्तान की आंख में खटक रहा है भारत का चिनाब नदी का प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, जिसको लेकर फिर आपत्ति जताई गई है दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से। साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर में, जहां पर ताइवान ने चीन का जहाज कब्जे में ले लिया है दोस्तों, जिसके बाद चाइना का आया है बड़ा बयान। बताएंगे क्या क्या उन्होंने। साथ ही दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां पर राजस्थान के बाड़मेर में बड़ा हादसा हो गया दोस्तों, अपने IF का MiG-21 बाइसन विमान क्रैश हो गया है दोस्तों। साथ ही इस घटना से जुड़ी सारी खबर आपको बताएंगे। उससे आगे बताएंगे दोस्तों, जहां पर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से गदगद हुआ पाकिस्तान, किया जीत का दावा और कहा हमने भारत को हरा दिया। जी हां दोस्तों, बताएंगे बेतुकी बात दोस्तों तालिबान में पाकिस्तान को लेकर कहा गया है दोस्तों। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर पंजशीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विद्रोही के सामने एक ना चली तालिबान की, जिसके बाद अब वार्ता के लिए भेजा अपना प्रतिनिधि मंडल। बताएंगे दोस्तों। साथ ही अहमद मसूद ने तालिबान के साथ बातचीत को लेकर कौन सी बड़ी बात कह दी है दोस्तों, और उनके साथ गठबंधन को लेकर अहमद मसूद की क्या राय होने वाली दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी दी गई है, आपको भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे दोस्तों, जहां पर चाइना और अमेरिका को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर अब चीन ने अमेरिका पर बड़ा इल्जाम लगाया है कोविड को लेकर। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां तालिबान ने अमेरिका को जो धमकी दी थी दोस्तों, जिसके बाद अमेरिका ने कर दिखाया ये बड़ा काम, एक दिन में इतने हजार नागरिकों को दोस्तों काबुल से निकाल कर दिखा दिया अमेरिका ने। आप भी जनसंख्या और संख्या सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, बताएंगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों, जहां पर 20 लाख लोगों को होने वाला है फायदा, मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन मिलने वाला है दोस्तों। आपको बताएंगे कैसे मिल पाएगा दोस्तों, और योगी जी का ये मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन को लेकर क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, हर तरह की चीजें आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो ताकत शौर्य बल पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों, साथ ही मोदी जी हैं तो हर चीज संभव, और योगी जी होंगे अगले मुख्यमंत्री, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर से खबर। पाकिस्तान की आंख में खटक रहा है भारत का चिनाब नदी प्रोजेक्ट, फिर जताई इसको लेकर आपत्ति। बता दें जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर भारत का कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट प्रोजेक्ट पाकिस्तान की आंख में खटक रही है। वो हर संभव प्रयास कर रहा है कि भारत इस प्रोजेक्ट को पूरा ना कर पाए, इसीलिए पाकिस्तान ने बीते सप्ताह इस परियोजना के डिजाइन पर आपत्ति जताई है दोस्तों। हालांकि भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत सिंधु जल समझौते के तहत ही काम कर रहा है और प्रोजेक्ट के डिजाइन में कोई कमी नहीं है। जी हां दोस्तों, बता दें कि भारत के सिंधु जल आयोग के प्रमुख प्रदीप कुमार सक्सेना ने बताया कि पिछले सप्ताह पाकिस्तानी समकक्ष सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई थी। हालांकि प्रदीप सक्सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करेगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान को जिस प्रकार से भारत के प्रोजेक्ट को लेकर दोस्तों मिर्ची लग रही है और आग लग रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, और भारत को क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों इस प्रोजेक्ट को लेकर, सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ताइवान ने चीन का जहाज ले लिया अपने कब्जे में। बता दें चीन एक ऐसा देश है जिसे पूरी तरह विस्तारवाद के लिए जाना जाता है। चीन को विस्तारवाद से इतना प्रेम है कि चीन का अपने निकट पड़ोसी देशों जिनमें भारत, रूस और जापान तो शामिल है ही, साथ ही दूर दराज के स्थित देश जिनमें फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, मलेशिया भी शामिल है दोस्तों, कोविड महामारी का प्रकोप इस समय भी कई देशों पर कहर बन पा रहा है, और ऐसे में सारे देश अपनी सीमाओं के भीतर महामारी पर काबू पाने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन चीन है कि वे खुले तौर पर अपनी सीमाओं के विस्तार में जुटा हुआ है दोस्तों। ऐसे में अब चीन और ताइवान को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर चीन हमेशा आदतन अपने एक पड़ोसी देश की सीमा में प्रवेश कर रहा है दोस्तों, और इस मुगालते में है कि इसके बाद उस देश की जमीन के कुछ हिस्से पर चीन अपना दावा ठोक सकेगा। जी हां दोस्तों, ताइवान की बात कर रहे हैं हम, और धीरे धीरे उस पर पूरा कब्जा कर लेगा, लेकिन उल्टे बांस बरेली की तर्ज पर चीन को इस बार लेने के देने पड़ गए हैं दोस्तों। दरअसल चीन ने जिस जहाज का इस्तेमाल किया अपने पड़ोसी देश की सीमा में घुसने का, उस देश ने उल्टे चीन के जहाज को ही अपना बंधक बना लिया। ये देश और कोई नहीं बल्कि दोस्तों चीन के पूर्वी समुद्री सीमा पर बसा ताइवान ही है। जी हां दोस्तों, आप सोच लोगे ताइवान ने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई। बता
बता दें जिसके फेंगू द्वीप के होते हुए चाइना का एक तेल कंटेनर जहाज गुजर रहा था। चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है, इसलिए ये सारी दिक्कतें पैदा हो रही है दोस्तों। ऐसे में फेंगू द्वीप जो है वो ताइवान के जल क्षेत्र में आता है और जिसे चीन हमेशा नकारता आया है दोस्तों, और चीन कभी से ताइवान का क्षेत्र नहीं मानता। और ऐसे में ताइवान ने इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है दोस्तों, जिसके बाद चाइना बौखलाता नजर आया दोस्तों और बड़ी धमकी दे डाली है, कह दिया है कि अंजाम बुरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं इसके बाद अब ताइवान पर चाइना का क्या एक्शन होने वाला है दोस्तों। हमसे जुड़े रहिएगा, हर तरह की खबर बताने वाले दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ राजस्थान के बाड़मेर में बड़ा हादसा, अपना IF का MiG-21 बाइसन विमान क्रैश हो गया है दोस्तों, लेकिन गनीमत यही रही कि अपना पायलट सुरक्षित रहा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर में बुधवार को भारतीय वायुसेना का MiG-21 बाइसन फाइटर जेट क्रैश हो गया। घटना में पायलट सुरक्षित है, बताया ये जा रहा है कि हादसा ट्रेनिंग के दौरान हुआ है। रात की बात यही रही है कि ये विमान किसी रिहायशी इलाके में नहीं गिरा। विमान के क्रैश होने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। विमान क्रैश होने की मौके पर भारी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए दोस्तों। ऐसे में अपने इस पायलट के अच्छे हेल्थ की कामना करते तो कमेंट में जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, गेट वेल सून पायलट। साथ ही अगली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से गदगद पाकिस्तान ने किया जीत का दावा और कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमने भारत को हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से गदगद पाकिस्तान की जुबान पर अक्सर अब वो बातें सामने आने लगी है दोस्तों, जिनसे दुनिया के सामने उसका असली चेहरा और मकसद उजागर हो रहा है। पड़ोसी मुल्क ने स्वीकार कर लिया है कि तालिबान के हाथ सत्ता लगने से वो इसलिए खुश है क्योंकि उसे लगता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकेगा दोस्तों। पाकिस्तान के बड़ बोले गृह मंत्री शेख राशिद ने तो पाकिस्तान की जीत और भारत की हार तक का दावा भी कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि शेख राशिद ने बुधवार को कहा कि अफगानिस्तान में हुए घटनाक्रम और तालिबान के कब्जे से भारत की असहजता स्पष्ट है। तालिबान के संग आतंक फैलाने को बेताब पाकिस्तान के मंत्री ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत शोक में है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए राशिद ने कहा कि भारत अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकाल रहा है और ये भारत के हार को दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, और हमने भारत को हरा दिया। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, और शेख राशिद जो भारत के ही खैरात में मिली जमीन पर दोस्तों बैठ करके भारत के लिए ही कांटे बोने का काम कर रहा है दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान संकट के बीच पंजशीर से बड़ी अच्छी खबर, जहां पंजशीर विद्रोहियों के सामने एक न चली तालिबान की, जिसके बाद अब वार्ता के लिए भेजा अपना प्रतिनिधि मंडल तालिबान ने। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में जब तालिबान की एक न चली तो अब वो वार्ता की राह पर चलने का फैसला ले लिया है। इसी क्रम में तालिबान ने अपने 40 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल को समझौते के लिए पंजशीर घाटी की सेनाओं के पास भेज दिया है दोस्तों। हालांकि बातचीत का नतीजा अभी सामने नहीं आ सका है। दरअसल अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्ला साले तालिबान को पंजशीर में घुसने नहीं दे रहे हैं दोस्तों, और ये साफ कह दिया है कि केवल सार्थक बातचीत को स्वीकार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि साले ने ये साफ कर दिया है कि हम तालिबान को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने काबुल से के उत्तर पश्चिम में पंजशीर घाटी में अपने गढ़ से टेलीफोन द्वारा समाचार एजेंसी राइटर्स को ये जानकारी दी है दोस्तों। आपको बता दें कि तालिबान से बातचीत को लेकर अहमद मसूद ने अपना बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि तालिबान के सामने सरेंडर करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान के कब्जे के बाद अपने पहले इंटरव्यू में मसूद ने कहा, मैं सरेंडर करने से अच्छा मरना पसंद करूंगा, मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूँ, मेरी डिक्शनरी में सरेंडर जैसा कोई शब्द नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनके इस बोल से तो लगता है दोस्तों कि तालिबानियों के सामने झुकने वाले नहीं है दोस्तों। साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर मेरी तालिबानियों से बात होती है तो मैं यही कहूंगा कि पूरे अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू ना हो और एक लोकतंत्र हो जिसमें सभी लोगों को जीने का पूरा अधिकार हो, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार हो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनके इस मांग को आप कितने हद तक सही मानते हैं दोस्तों, कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की तो तालिबान के हाथ लगा अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं ये लड़ाके। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़े तो उल्टा चोर कोतवाल को
डांटे वाली स्थिति दोस्तों चाइना और अमेरिका के बीच होती नजर आ रही है, जहां पर अब चीन मचा रहा है शोर। अमेरिकी लैब से फैला है ये कोरोना। जी हां दोस्तों, वुहान लैब थ्योरी के बीच में क्यों है फोर्स्ड ट्रेडिंग का ये चर्चा, आपको बता दे दोस्तों। अब चाइना अमेरिका पर ही इल्जाम लगा रहा है दोस्तों, बता दें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत ड्रैगन पर पूरी तरह से फिट बैठती है दोस्तों, जिस चीन पर आरोप लग रहे हैं कि वुहान लैब से ही कोरोना फैला है। और अब चीन इस थ्योरी को बदलने की कोशिश में जुटा हुआ है दोस्तों। चीन में कोरोना वायरस के सबसे पहले अमेरिका से फैलने का शोर है। गानों, फेसबुक पोस्ट और अन्य सोशल मीडिया मंच के जरिए ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि अमेरिका के मेरीलैंड स्थित फोर्ट डेट्रिक सैन्य अड्डे की लैब में कोरोना वायरस को तैयार किया गया है। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर अमेरिकी जांच रिपोर्ट के आने से पहले ही चीन में इसे बेबुनियाद खबर का प्रसारण तेज हो गया है दोस्तों। ऐसे में अब चीन पूरी तरीके से अमेरिका पर इल्जाम लगा रहा है दोस्तों। क्या होगी आपकी राय, ऐसे में बताइएगा जरूर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो तालिबान ने हथियार सहित कई फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी कब्जा कर लिया है दोस्तों, जिसके बाद रूस ने जताई है चिंता और भारत को भी बड़ा खतरा हो सकता है इससे। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से तालिबान के लड़ाके हाईटेक हथियारों और सेना के वाहनों के साथ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इस पर अब रूस ने भी चिंता जताई है। इन हथियारों में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तक शामिल है दोस्तों। अब आप सोच पा रहे होंगे कि अन्य देशों के लिए तालिबानी कितना घातक साबित हो सकते हैं दोस्तों, जिनके पास अमेरिका का इतने एडवांस वेपन्स मौजूद है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट खाली नहीं करेंगे G7 देश ने कहा है दोस्तों, जिसके बाद जो बाइडेन ने कहा है कि देखेंगे तालिबान का रवैया, उस हिसाब से एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि विश्व की 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मौजूदगी वाले शक्तिशाली G7 संगठन ने कहा है कि वे 31 अगस्त की समय सीमा तक काबुल एयरपोर्ट खाली नहीं करेंगे, बल्कि तालिबान को इसके बाद भी उड़ान भरने और बाहर जाने के इच्छुक अफगानी नागरिकों को सुरक्षित राह देनी होगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि सभी देशों ने इसे तालिबान से किसी भी संपर्क की पहली शर्त को माना है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तालिबान के सहयोग पर ही समय सीमा के भीतर अफगानिस्तान को खाली किया जा सकेगा दोस्तों। लेकिन उसके बाद जो अभी की बड़ी खबर है दोस्तों, जहां पर तालिबान के अल्टीमेटम के बाद अमेरिका ने झोंक दी पूरी ताकत, अफगानिस्तान से एक दिन के अंदर में 19,000 लोगों को एयरलिफ्ट कर दिया गया है दोस्तों काबुल एयरपोर्ट से। बता दें, व्हाइट हाउस ने बुधवार को सुबह को कहा कि अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में अफगानिस्तान से 19,000 लोगों को सुरक्षित निकाला है। इसी के साथ 14 अगस्त को यह ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अमेरिका अब तक 82,300 लोगों को अफगानिस्तान से निकाल चुका है दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो ताजिकिस्तान का तालिबानियों को लेकर बड़ा ऐलान, कहा अफगानी सरकार के रूप में तालिबान को मान्यता कभी नहीं दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ताजिकिस्तान का कहना है कि वो तालिबान को अफगान सरकार के रूप में मान्यता नहीं देगा। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने कल बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से कहा है कि देश तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में कभी मान्यता नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों ताजिकिस्तान के इस ऐलान का आप समर्थन करते हैं या नहीं, सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर भारतीय वीजा लगे अफगानी पासपोर्ट काबुल से हुए चोरी, ISI ने रची है इसको लेकर बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, बता दे काबुल में पाकिस्तान के इशारे पर ISI ने एक ट्रेवल एजेंट पर छापे डलवाकर भारतीय वीजा लगे कई पासपोर्ट चोरी करवा दिए हैं दोस्तों। सुरक्षा एजेंसियों को यह अंदेशा है कि चोरी हुए भारतीय वीजा वाले पासपोर्ट के जरिए देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है दोस्तों, और अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी ऐसे पासपोर्ट का इस्तेमाल भारत में दाखिल होने के लिए कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर राष्ट्रपति जो बाइडेन पर आग बबूला हुए ट्रंप, कहा कहीं आतंकियों को अमेरिका तो नहीं लेकर आ रहे हो जो बाइडेन। जी हां दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनकी अफगानी नीति को लेकर जमकर फटकार लगाई है दोस्तों। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि निकासी प्रक्रिया के तहत कहीं आम लोगों की जगह हजारों आतंकियों को अमेरिका तो लेकर नहीं आ गए जो बाइडेन। जी हां दोस्तों, ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान को आतंकवादियों के हवाले कर दिया और सेना को हटाकर हमारे अमेरिकी नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो सऊदी अरब और ईरान दोस्ती की ओर
बढ़ा रहे हैं कदम। इराक कर रहा है इनके बीच मध्यस्थता। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव को कम करने के उद्देश्य से इराक ने बगदाद में दोनों देशों को एक शिखर सम्मेलन में बुलाया है। दोस्तों न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि इस बैठक में यमन युद्ध, लेबनान मसले के साथ ही क्षेत्रीय जल संकट पर भी चर्चाएं होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो तालिबानी खतरे से कैसे निपटेगा भारत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बताया और कहा क्या है इसको लेकर प्लान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को कहा कि तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान से किसी भी संभावित आतंकवादी गतिविधि के भारत की तरफ आने पर सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने इसके साथ ही सुझाव दिया है कि क्वाड राष्ट्रों को आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में सहयोग बढ़ाना चाहिए। सीडीएस ने ये बातें ऐसे समय पर कही है जब अंदेशा ये जताया जा रहा है कि तालिबानी शासन वाले अफगानिस्तान से लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। दोस्तों जो पाकिस्तान के इशारों पर भारत को निशाना बनाती हैं। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां पर क्या अब पाई पाई के लिए भीख मांगेगा तालिबान। जी हां दोस्तों, अमेरिका और IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने भी ले लिया है बड़ा एक्शन। तालिबान के आर्थिक सहायता पर लगा दी है पूरी तरीके से रोक। जी हां दोस्तों, अब पैसों को लेकर भूखे मर सकता है तालिबान। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो बच्चों के दिमाग में भरी जाएगी जिनपिंग की सोच। सत्ता पर पकड़ मजबूत करने को CPC ने किया ये नया ऐलान। जी हां दोस्तों, चीन की सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश के तहत सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की राजनीतिक विचारधारा को स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों ये देश के शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को नई योजना का ऐलान करते हुए ये बात कही है। दोस्तों अब हर बच्चों के माइंड में जिनपिंग की पटकथा पढ़ाई जाएगी। दोस्तों जिनकी विचारधारा हमेशा से गलत रहे दोस्तों, उनके विचार बच्चों के दिमाग में डाला जाएगा। आप इसके लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो कोरोना पर एक और वार के बीच भारत ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दोस्तों भारत ने टीकाकरण में पार कर लिया है 60 करोड़ का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, जो कि अमेरिका से दुगना टीकाकरण है। दोस्तों ऐसे में कांग्रेचुलेशन इंडियन गवर्नमेंट जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटे मुफ्त LPG गैस कनेक्शन, 20 लाख लोगों को होगा इसका फायदा। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के लाभार्थियों को निःशुल्क LPG कनेक्शन बांटे हैं। दोस्तों इस योजना से राज्य की 20 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने सरकारी आवास से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए विभिन्न जिलों के लाभार्थियों से संवाद भी किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि पहले गैस के लिए लाइन में लगे लोगों पर लाठियां बरसती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना ने लोगों को बहुत लाभ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना ने एक ओर जहां हमारी माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाकर उनकी सेहत का ख्याल रखा है, तो वहीं दूसरी ओर ईंधन की व्यवस्था करने की दुश्वारी, बरसात के महीनों में गीली लकड़ी की समस्या, रसोई घर में घंटों रहने की मजबूरी से भी निजात दिलाई है। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला उठाया है। दोस्तों और कितने भाइयों और बहनों को अपने घर में इस मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा बांटे गए मुफ्त LPG का गैस कनेक्शन चाहिए दोस्तों, या फिर जिन्होंने पहले से ये कनेक्शन ले रखा है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने आप को रिप्रेजेंट जरूर करिएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे तो उनको भी खुशी हो कि उनकी योजना काम आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है जहां पर मायागंज हो सकता है मियागंज ग्राम पंचायत का नाम। जी हाँ दोस्तों, DM ने इसको लेकर भेज दिया है प्रस्ताव। उन्नाव जिले के मियागंज ग्राम पंचायत का नाम बदलकर मायागंज रखने की बात कहकर 2017 के चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण और सफीपुर में जीत हासिल करने में सफल रही भाजपा ने अब इस पर अमल शुरू कर दिया है। दोस्तों क्षेत्रीय विधायक की प्रयासों से ग्राम पंचायत ने नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया है। आप लोग क्या चाहेंगे दोस्तों, क्या मियागंज का नाम मायागंज होना चाहिए दोस्तों, हाँ या नहीं, आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जहां पर निर्मला सीतारमण का बड़ा फैसला, किसानों को आसानी से मिलेगा अब लोन। बैंक स्टाफ के परिजनों की पेंशन में वृद्धि की भी घोषणा कर दी गई है। दोस्तों कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की है। वित्त मंत्री ने एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस यानी आसान बैंकिंग का चौथा चरण E4 भी लॉन्च कर दिया है। दोस्तों अगली खबर की ओर चलें तो राणे का बड़ा दावा, कहा उद्धव ने
अमित शाह योगी जी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी FIR दर्ज करेगी महाराष्ट्र की पुलिस? जी हाँ दोस्तों, योगी को चप्पल से मारने वाले बयान की बीजेपी नेता ने भी की है शिकायत। बड़ी खबर, क्या महाराष्ट्र पुलिस उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी उसी तरह एक्शन ले पाएगी जिस तरह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर कार्यवाही की गई है? उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहने वाले राणे की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी के एक नेता ने पुलिस से महाराष्ट्र के CM के उस बयान के खिलाफ शिकायत दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी को उन्हीं की चप्पल से मारना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय, सुझाव आने वाले कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या बीजेपी भी पलटवार कर सकती है दोस्तों या नहीं, बताइएगा जरूर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो शायर मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। चाचा को फंसाने के लिए खुद पर चलवाई थी इनने गोली। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो कोरोना को कम देखते हुए बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है दोस्तों। नीतीश सरकार ने जारी कर दिए हैं इसको लेकर दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कोरोना के मामले कम होते ही अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत अब शर्त के साथ धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद दोस्तों।